नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट है टॉप 20 भारतीय संविधान के प्रश्न, और इसी लेवल के प्रश्न आपके लोअर पीसीएस जो पहले जानी जाती थी अब यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, पहले यूपी पीएससी कराता था। और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा यहाँ पर होने वाला है, और जो क्वेश्चन का लेवल होगा थोड़ा हाई ही रहने की चांसेस है, और इस प्रकार के पोस्ट के लिए तो थोड़ा हाई ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और क्या आप इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो इसी प्रकार की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, क्या वो 109 है, 110, 111, बी तथा सी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 110। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है आपकी। तो दोस्तों दल बदल विरोध कानून से जब संविधान संशोधन संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 52वां संशोधन, जो कि 1985 में पारित किया गया था, और यह संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, क्या आपने इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। तो इसी लेवल के दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। अब दोस्तों केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कितने अधिवेशन हुए यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या आपने पढ़ा है ये, क्या वो 7 है, 9 है, 12 या 15। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका 12। ठीक है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये क्वेश्चन बार बार आपका घूम फिर के आता ही रहता है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपके बी एन राव जी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब दोस्तों जो संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चुन के आए थे वो किस निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए थे, क्या वो पश्चिम बंगाल से है, मुंबई प्रेसिडेंसी से है, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। अब दोस्तों सिक्किम जो था भारत का एक सह राज्य किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने है 30, 32, 35 या 42। क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए, जरा आप भी अपना जवाब सोचिए, मैं तो जवाब दूंगा ही। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो 35वें संशोधन के अंतर्गत, और कब, 1974 में ये 35वां संशोधन हुआ था, 1974। ठीक है, 1974 में। आगे बढ़ते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो था 1953 में, और जो इसके अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति आपके फजल अली। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में ये आयोग आपका गठित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया, हर व्यक्ति को अपना धर्म की मानने का अधिकार है, उसके अनुसार जो भी चीज़ें धार्मिक कार्यों को करने का पूर्ण मौलिक अधिकार प्राप्त है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या
ये जवाब आपको पता है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए राइट आंसर क्या है, 1971, 1976, 1979 या 1981। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है 1976, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1976 में आपके बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका भी आगे अगली वीडियो में निराकरण किया जाएगा। और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, बहुत ही मेहनत से आप छात्रों के लिए वीडियो बनाई जाती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ दोहरे दंड से क्या मतलब है, किसी भी कह सकते हैं कि अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। दोहरे दंड, एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ स्व अभिशंसन, किसी व्यक्ति को अपने अपराध, जो अपराध उसने किया है उसके लिए खुद से गवाही, वो अपनी गवाही नहीं दे सकता है कि उसको मजबूर किया जाएगा कि गवाही देने के लिए कि हाँ उसने ये अपराध किया, ठीक है। स्व अभिशंसन और दो सिद्धि, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 20, ये प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 20 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन देखिए, वीवी गिरी, ज्ञानी जयल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो है आपके ज्ञानी जयल सिंह, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जयल सिंह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किन के दायित्वों का? ध्यान से देखिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे उम्मीद करूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा जवाब, इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष के दायित्वों का है इसमें प्रावधान, राज्यसभा के सभापति का, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का, या प्रधानमंत्री का? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखाकार होते हैं सीएजी होते हैं, वो किसके मार्गदर्शक होते हैं? प्रवर समिति, प्राकलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका लोक लेखा समिति, राइट आंसर लोक लेखा समिति। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अब दोस्तों जो लोकसभा में शून्यकाल होती है उसकी अवधि कितनी, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? देखिए ऑप्शन ध्यान से, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है अधिक से अधिक एक घंटे की, ऑप्शन नंबर बी अधिक से अधिक एक घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जिसका संबंध संघीय बजट से है? क्या वो निंदा प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण है, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कटौती प्रस्ताव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कटौती प्रस्ताव। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? देखिए ऑप्शन ध्यान से, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन देखिए ध्यान से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री जो उसके लिए अधिकृत हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो धन निर्गम पर नियंत्रण होता है वो संसद का होता है, ठीक है, संसद का होता है। संसद किससे मिलकर बनते हैं? विधानसभा, सॉरी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर ये संसद बनती है। ये क्वेश्चन भी पुट अप होता है, संसद के कितने अंग हैं, किन से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए, क्या ऐसा संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है कि वो एक ही बार बनेगा या कई बार बनेगा? तो संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा कहीं कुछ उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार बनेगा, वो कई बार वो बन सकता है, तो ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है उसके कार्यकाल को लेकर कि एक ही बार बनेगा, इसके बाद वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका कई बार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर निगम, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की भी पोस्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बनते ही बनते हैं। तो पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था दोस्तों वो हुआ था चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में नगर निगम स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 20 का इंडियन पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। और
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मैक्सिमम से हो सके दोस्तों मित्रों में शेयर करिए। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत उपयोगी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।